हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हो हिंदुस्तान ट्रेवलर। अभी हम हैं जम्मू तवी में और यहां से वैष्णो माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए निकल रहे हैं। तो यहां से हम बाई ट्रेन निकलेंगे, आप बस से भी यहां से जा सकते हैं। तो इसका जो जो किराया मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप सामने देख सकते हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी स्टैंड और ठीक इसके सामने जो है ये इधर बस स्टैंड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको निरंतर जो है यहाँ से कटरा के लिए और भी कई जगहों के लिए बस मिलती रहेगी। जैसे आप श्रीनगर के लिए या बनिहाल के लिए कहीं पे भी जाने के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। और ये सामने रहा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने अभी पता किया दोस्तों, यहाँ पे टैक्सी का किराया जो है, अगर आप कटरा जाना चाह रहे हैं यहाँ से टैक्सी से, तो 1530 करके किराया है। और अगर बस से यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो 100 रुपये लगभग बस का यहाँ से किराया है। और फिर आगे आपको बताते हैं कि आगे जाके फिर आपको कौन कौन सी गाड़ी मिलेगी कटरा से, जो श्रीनगर पहुँचाएगी और बनिहाल तक पहुँचाएगी, वो सारा कुछ वीडियो में बताऊँगा। अभी हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 2:40 के एक बजे एक ट्रेन है वो पकड़ के जा रहे हैं कटरा के लिए, जो 60 रुपये पर पर्सन की दर से टिकट लगा है। फाइनली हम दोस्तों जम्मू तवी से कटरा की ओर निकल गए हैं अभी ट्रेन में, और यहाँ पर आपको क्या खर्चा पड़ेगा जम्मू तवी से कटरा की ओर जाने में और किस वे से आप जा सकते हैं सही, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें जो माता वैष्णो देवी आना चाह रहे हैं। और ये अभी फरवरी का महीना है, फरवरी लास्ट अभी चल रहा है, तो अभी आपको व्यू दिखाते हुए ले जाएंगे हम कटरा की ओर। तो दोस्तों, ये जो जम्मू तवी से कटरा का जो सफ़र है बाय ट्रेन या बाय बस जो भी कहें, बहुत ही खूबसूरत है। और रास्ते में जो है बहुत टनल मिलता है, लगभग 7 या 8 टनल रास्ते में पड़ता है जम्मू तवी से कटरा जाने की ओर। और जो रास्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वैसे तो दोस्तों जम्मू तवी से कटरा जाने के लिए बहुत से साधन हैं, जैसे कि आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं और पूरी टैक्सी आप बुक कर सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं और आप टू व्हीलर से भी जा सकते हैं जो वहाँ पे रेंट पे मिलती है। तो ये सब साधन है जिससे कि आप माता वैष्णो देवी कटरा जा सकते हैं। अगर आप जम्मू तवी से माता वैष्णो देवी कटरा जा रहे हैं बाय ट्रेन, तो वैसे तो बहुत सी ट्रेनें हैं जो जम्मू तवी से कटरा के लिए चलती रहती हैं, लेकिन 5 ऐसी ट्रेनें हैं जो रेगुलर पर डे चलती है। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, ये जो ट्रेनें हैं आप इसमें देख सकते हैं, जो डेली 5 ऐसी ट्रेनें हैं जो डेली चलती हैं। और लगभग इसका जो यहाँ जम्मू तवी से कटरा का जो डिस्टेंस है बाय ट्रेन, वो लगभग 77 किलोमीटर का दिख रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसको पूरा करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। अगर मेरी बात माने दोस्तों, तो सबसे अच्छा साधन यहाँ पे ट्रेन का है, जिसमें आपको कम किराए में माता वैष्णो देवी कटरा छोड़ देगी। और रास्ते की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। और बस से भी आप जा सकते हैं, अगर आप टाइम पे ट्रेन नहीं मिली तो बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया थोड़ा सा ट्रेन से ज़्यादा होगा, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अभी दोस्तों अभी जम्मू तवी से निकलने के बाद रामनगर एक हॉल्ट है, वहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है,
स्टॉपेज तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है ट्रेन और यहाँ से फिर कटरा के लिए निकलेंगे। पता नहीं, कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा होगा जिस कारण से रुके हुए हैं। आप लोगों को रास्ते का व्यू हम दिखाते हुए जा रहे हैं, तो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं फिर आप लोगों को। ट्रेन का जो जर्नी है दोस्तों, वैसे भी सेफ मानी जाती है। तो अगर आप जम्मू तवी से कटरा की ओर जा रहे हैं, और तो कम से कम तो वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा में 2 दिन काफ़ी हैं, जिसमें आपका आने और जाने का ट्रेन का जितना भी समय है वो इंक्लूड है इसमें, और 1 दिन यात्रा के लिए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। अभी तो फ़िलहाल हम कटरा की ओर जा रहे हैं, और खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी है रास्ते की। जो यहाँ पे आए होंगे उन्हीं को ये पता होगा, और भक्तिमय माहौल हो जाता है। इस ट्रेन में जितने भी यात्री हैं, जितने भी हैं, वो सब अधिकतर 80% जो है वो माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए ही निकले हैं, और बीच बीच में ट्रेन में जय माता दी के जयकारे लगते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम यहां पे पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो रेलवे स्टेशन है यहां पे पहुंच गए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये माता वैष्णो देवी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है उसका मेन द्वार, जो मेन गेट कह सकते हैं इसको, ये वो है। और आप व्यू देखिए सामने का, ये है वो त्रिकुटा पर्वत जिसपे माता वैष्णो देवी विराजमान है, और बहुत यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, टूरिस्ट की, और जितने भी भक्त हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जितने भी भीड़ है वो कुछ रात में दर्शन करेंगे और कुछ सुबह के लिए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं मैया के दर्शन के लिए, तो आपको जम्मू तभी आना होगा, और वहाँ से आपको बहुत सी ट्रेन और बस वगैरह टैक्सी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे आने के लिए। टैक्सी का किराया आपको यहाँ पे 1530 रुपये करके टैक्सी का किराया मिलेगा, जो आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी कटरा। और बस से अगर आना चाहते हैं तो 100 रुपये बस का किराया है, 100 या 120 करके है। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं जम्मू तवी से यहाँ पर, तो आपको ये 60 रुपये में यहाँ पर छोड़ देगी, 60 रुपये पर पर्सन की दर से। और अगर आप दिल्ली या कहीं से भी आ रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन आपको दिल्ली से भी मिल जाएगी, और हर छोटे बड़े शहरों से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन कटरा के लिए नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको जम्मू तभी आना होगा। बाकी बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन भी कटरा के लिए है, जैसे कि दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया, वो सब के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो माता वैष्णो देवी का जो भवन का रहेगा वो पूरी यात्रा के बारे में आपको दिखाएंगे, यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंदुस्तान।